पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के विरोध में स्थानीय चिकित्सकों ने भी हाथों में काली पट्टी बांधकर सिविल हॉस्पिटल में महिला चिकित्सक को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। वहां पर पूर्व जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रकाश विष्णु फुलम्ब्रिकर, पूर्व जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ एसआर चौहान, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ देवेंद्र मौर्य, निजी चिकित्सक डॉ पीएन डांगी और सभी ने मिलकर डॉ केएम शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए और राष्ट्रपति और पश्चिम बंगाल सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर फांसी जैसी सजा देने की मांग की।